हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं आपके लिए नीड से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी लाई हूँ। दोस्तों, आप सबको अभी तक तो पता ही चल गया होगा कि नीड का रिज़ल्ट अब 16 अक्टूबर को आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह से आप लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर आज ऐलान कर दिया है कि नीड का रिज़ल्ट अब 16 अक्टूबर को आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि नीड का रिज़ल्ट क्यों लेट हो रहा है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ भी है। तो मेरे वीडियो पर आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम छूट गया था, जो 13 सितंबर को नीट की परीक्षा नहीं दे पाए थे क्योंकि कोविड-19 की वजह से या कंटेनमेंट जोन की वजह से, उन अभ्यर्थियों की परीक्षा एनटीए अब 14 अक्टूबर को लेगा। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो फेज़ टू हम लोग इतने दिन से सुन रहे थे, तो उस फेज़ टू का मतलब है नीट की जो री एग्ज़ाम होना था, उन अभ्यर्थियों की परीक्षा अब 14 अक्टूबर को एनटीए लेगा। तो एनटीए ने अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में साफ कर दिया है कि 14 अक्टूबर को नीट की परीक्षा होगी और फिर 16 अक्टूबर को एक साथ सबका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है और जिन बच्चों ने अभी तक पेपर नहीं दिया था, उनको तैयारी करने का बहुत सारा समय मिल चुका है। अभी 2 दिन और हैं तो वो अच्छे से अपनी तैयारी कर लें ताकि वो अच्छे स्कोर पा सकें और उनकी मेरिट भी हाई जा सके। तो दोस्तों, और जिनने पेपर दे चुके हैं, उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छा कॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कट ऑफ के बारे में, पिछले साल 2019 में कट ऑफ 701 गया था और उसके पहले साल 691 गया था और उसके पहले 2017 में 697 गया था। तो दोस्तों, इस बार 2020 में कट ऑफ हाई जाने की पूरे चांस हैं, जैसा कि न्यूज़ भी उड़ के आई थी शोएब के 720 में 720 मार्क्स हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि 16 अक्टूबर को रिज़ल्ट में क्या होता है, सारी चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना होइए, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और आपने अच्छा किया है तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छी रैंक मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।